हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि मैथ्स का है, क्लास टेंथ का, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का है क्लास टेंथ का हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक में से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ विंडो ऑफ द हाउस इज एच मीटर अबव द ग्राउंड। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द बॉटम टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। तो प्रूफ डैट द हाइट ऑफ द हाउस इज एच ब्रैकेट में 1+10 अल्फा कॉट बीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक विंडो है घर की जो कि एच मीटर ऊंची है ग्राउंड से। तो पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाना इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। ए डी मान ले रहे हैं, ए डी जो है वो हाइट है विंडो की ग्राउंड से, और डी सी जो है वो ग्राउंड है। ओके, तो जो विंडो होगी वो पॉइंट ए पे होगी, टॉप ऑफ ए डी, एट द टॉप ऑफ ए डी। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि उस विंडो के अपोजिट वाली लेन में एक दूसरा घर है जिसकी हाइट हम मान ले रहे हैं एच मीटर दूसरे घर की हाइट। तो हमें प्रूफ करना है कि एच इक्वल है, मतलब हाइट ऑफ अनदर हाउस अपोजिट हाउस इक्वल्स टू एच 1+10 अल्फा कॉट बीटा, जहां अल्फा जो है वो उस घर का एंगल ऑफ एलिवेशन है और बीटा जो है वो उस घर का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है यहाँ कि एच जो है उसे हमने माना है हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। तो यहाँ हम अल्फ़ा और बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है यहाँ। तो टेन अल्फ़ा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, सिंस अल्फा टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर है एच माइनस एच, जो घर की हाइट है उससे हम माइनस कर देंगे एच, और ये ए डी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी के, क्योंकि ये ए बी सी डी ये जो है वो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, जिसकी अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो हमें मिल जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू एच माइनस एच बाय ए बी, और टेन बीटा इक्वल हो जाएगा हमारा एच बाय ए बी के परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ से हम जब ए बी को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और टेन अल्फा और टेन बीटा को राइट हैंड साइड लेंगे, तो ये एक दूसरे की जगह ले लेंगे, तो ए बी इक्वल हो जाएगा एच माइनस एच बाय टेन अल्फा के, और दूसरा वाला ए बी इक्वल हो जाएगा एच बाय टेन बीटा के। तो इन्हें हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अब क्योंकि ए बी इक्वल है एच माइनस एच बाय टेन अल्फा के, और ए बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एच बाय टेन बीटा के, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एच माइनस एच बाय टेन अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा एच बाय टेन बीटा के। तो इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, हमें मिलेगा एच माइनस एच बाय टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू एच बाय टेन बीटा। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल जाएगा एच माइनस एच टेन बीटा इक्वल्स टू एच टेन बीटा टेन अल्फ़ा। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे और एच माइनस एच टेन बीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा एच टेन बीटा एच हाउस की हाइट वाला एच एच बी टेन बीटा इक्वल्स टू एच टेन अल्फ़ा प्लस एच टेन बीटा। तो टेन अब हम टेन बीटा को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से हमारा h जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, तो हमें मिलेगा h इक्वल्स टू h टेन अल्फ़ा
प्लस टेन बीटा, और ये टेन बीटा जो लेफ्ट साइड में था एच के पास, वो हम राइट हैंड साइड ले गए तो ये डिवाइड में हो गया, तो हमारा आ गया एच इक्वल्स टू एच टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा बाय टेन बीटा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एच इक्वल्स टू एच ब्रैकेट में टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन बीटा प्लस टेन अल्फ़ा इंटू वन अपॉन टेन बीटा। तो टेन टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, और हमें पता है कि वन अपॉन टेन थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के, मतलब टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ हम वन अपॉन टेन बीटा की जगह वन कॉट बीटा लिख सकते हैं, तो हमें मिलेगा एच इक्वल्स टू एच ब्रैकेट में वन प्लस टेन थीटा टेन एच इक्वल्स टू एच ब्रैकेट में वन प्लस टेन अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म होती है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास जो हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच सके।